मेरा नाम ध्रुवचंद्रा है और मेरे पिताजी का नाम मुन्नीलाल, और हमारे पिताजी किडनी पेशेंट हैं, और वो जो है हमें किडनी का प्रॉब्लम जो है मार्च 2019 में पता चला। उसके बाद हमने अपने कंपनी के हॉस्पिटल में पहले इलाज कराया, उसके बाद वहाँ 2 महीने इलाज कराने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज कराया 2 महीने। वहाँ जो है पहले एक बार वहाँ क्रिएटिनिन जो है से 6.2 पहुँच गया था। उसके बाद इलाज कराते कराते तो कम नहीं हो रहा था, फिर वहाँ से मैं चेंज कर दिया, फिर मैं चंदन हॉस्पिटल में कराया। चंदन हॉस्पिटल में कराया तो वहाँ एक बार क्रिएटिनिन थोड़ा कम होता था, 6 से कम होकर के 5 तक आया, 5 से फिर से 6.7 हो गया। उसके बाद हमें लगा कि अब 7 हो जाएगा तो फिर जो है डॉक्टर बोलने लगे, रिकमेंड किए कि डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस नहीं करवाया, फिर यहाँ बीके आरोग्यम में आया किसी के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जो है किडनी का इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे दवा 24 नवंबर को यहाँ पे दवा लिया, फिर दवा लेकर के हमने घर चले गए, और उसमें कुछ परहेज था, परहेज किया और क्रिएटिनिन डाउन हो गया, डाउन हो करके 3.4 तक आया। लेकिन उसमें वीकनेस बढ़ गई थी, क्योंकि हम पहले एलोपैथिक डॉक्टर साहब बोले थे कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों एक साथ यूज करना, इसको धीरे धीरे बंद करेंगे, लेकिन हमने जो है उनको इम्प्रूव हुआ उसके बाद जो है हमने बंद कर दिया अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद यहाँ भर्ती किए 3 दिन के लिए, 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को भर्ती किए 3 दिन, वीकनेस थोड़ी बढ़ गई, फिर यहाँ से इमरजेंसी केस में गंगा सेवा में भर्ती किए, वहाँ 24 आवर इलाज हुआ। उसके बाद वहाँ से मैं रेफर करके विवेकानंद ले गया, वहाँ ICU में भर्ती करके पहले उनका वीकनेस ठीक किया गया, वीकनेस ठीक हो गए फिर, लेकिन क्रिएटिनिन जो है कम नहीं हुआ, डायलिसिस वो लोग शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ मजबूरी थी हमारी कि डायलिसिस करवाना ही पड़ा और करना भी पड़ा उनको। उसके बाद जो है हमने वहाँ डायलिसिस करने के बाद भी यूरिया 156, क्रिएटिनिन 6.39, इससे कम नहीं हुआ, और ब्लड यूरिया 51 से नीचे नहीं आ रहा था, और यूरिक एसिड 10.5 से ऊपर था, नीचे नहीं हो रहा था। डायलिसिस के बाद भी हमने 4-5 बार डायलिसिस करवा दिया, उसके बाद भी क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा था, तो 7.8 तक क्रिएटिनिन पहुंच गया था डायलिसिस के बाद। लास्ट डायलिसिस हमने 10 जनवरी को कराया। उसके बाद फिर दोबारा हमने सोचा कि ये आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक ही इलाज अच्छा है, वो तो हमें पता था पहले से ही, एक गलती होने की वजह से वो वहाँ इतना सफ़र करना पड़ा था। फिर मैंने 13 जनवरी से स्टार्ट किया, और क्रिएटिनिन जो है 7.8 से नीचे अभी डाउन हो गया है, 5.7 पहुंच गया, और डायलिसिस बंद हो गया है, जो रिकमेंड था डायलिसिस सब वीकली, वीक में 2 बार, और वो अभी जो है अभी तक डायलिसिस नहीं किया 10 तारीख के बाद से, और यूरिया भी 153 पहुँच गया है, बाकी वीकनेस भी अच्छी है, मतलब सेहत में सुधार है काफ़ी, अभी चल फिर ले रहे हैं, पहले चल नहीं पा रहे थे। एज क्या है आपके फादर की? पिताजी की एज 70 के करीब में। और आप लोग कहाँ से हैं? हम बस्ती से आए हैं। बीके आरोग्यम मतलब इलाज एक ही अच्छा है, क्योंकि एलोपैथिक में तो डायलिसिस के अलावा और कोई इलाज नहीं है, इसमें है डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी जो है इम्प्रूव होने लगेगी, यही मेरा एक्सपीरियंस है इसमें।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बीके चौरसिया है। बीके आरोग्य में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप बड़ी ही मजेदार केस स्टडी लेके आया हूं। अक्सर हम अलग अलग पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनकी केस स्टडी डिस्कस करते हैं, किस तरह उनकी किडनी खराब हुई, किस तरह उन्होंने इलाज कराया, किस तरह वो ठीक हुए। आज ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जहां पर पेशेंट डिस्टर्ब हुआ, सही इलाज मिला, ठीक हुआ, फिर डिस्टर्ब हुआ, वापस से जाके ठीक हुआ। कैसे लोग कंफ्यूज होते हैं, कैसे भटकते हैं, आपको इसका आइडिया लगेगा। आज मैं बात करूंगा मुन्नी लाल जी के बारे में। मुन्नी लाल जी 70 साल एज के एक पेशेंट। सबसे पहले इनको किडनी में थोड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई, क्रिएटिनिन थोड़ा सा इंक्रीज किया, और जैसा कि नॉर्मली सारे पेशेंट्स करते हैं, इन्होंने एलोपैथी इलाज शुरू किया और इनका क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया। क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते जब 6 से ऊपर पहुंच गया तो डॉक्टर ने इनको डायलिसिस करने की सलाह दी। डायलिसिस करना चाहते नहीं थे, इन्होंने खोज करनी शुरू की, तलाश करना शुरू किया किसी ऐसे चिकित्सा पद्धति का जहां पर बगैर डायलिसिस ये नॉर्मल लाइफ जी सके, डायलिसिस से बच सके। और आखिरकार इनको बीके आरोग्य के बारे में पता चला। बीके आरोग्य में जब पहुंचे तो इनका क्रिएटिनिन लगभग 7 के आसपास पहुंच चुका था। यहां पर स्टेज 3 में जा चुके थे। इनकी प्रॉपर सीबीएस जांच हमने कराई। सीबीएस जांच के बाद इनकी कुछ मेडिसिन का चार्ट, इनकी कुछ ट्रीटमेंट का चार्ट बनाया गया और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। इन्हें रिलीफ मिला, आराम मिला, क्रिएटिनिन घटना शुरू हो गया। मगर कुछ इन्हें वीकनेस फील हुई और इनको कुछ सलाहकारों ने सलाह दी। दोस्तों, हमारे आसपास में बहुत से लोग होते हैं जो सलाहकार होते हैं। वो हमारे कोई पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको इस प्रॉब्लम के बारे में, किडनी डिजीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आपको पूरी सलाह दे सकते हैं कि कैसे कहां इलाज कराओ। ऐसे कुछ सलाहकार मुन्नी लाल जी को मिले, जिन्होंने इन्होंने बताया कि आयुर्वेद इलाज बेकार है, आरोग्य का इलाज बेकार है, आप एलोपैथी इलाज कराएं, ज्यादा बेटर आराम मिलेगा। हालांकि आज तक एलोपैथी में कोई ठीक नहीं हुआ, फिर भी मुन्नी लाल जी थोड़ा कंफ्यूज हुए। इन्होंने बिना आरोग्य में बात किए दवा को रोक दिया और एलोपैथी इलाज शुरू कर दिया। और जैसा कि होता है नॉर्मली हर एक पेशेंट के साथ होता है, इनका स्थिति और बिगड़ गया। दोस्तों, 1.5 या 2 क्रिएटिनिन होता है अधिकांश पेशेंट जिनकी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट चल रही है। ऐसे लोगों का शुरुआती दौर का इलाज कराते जाते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ता रहता है और लास्ट में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। ये लगभग हर एक किडनी पेशेंट की कहानी होती है। मुन्नी लाल जी को इसका आभास नहीं था। अच्छे इलाज के भ्रम में इन्होंने एलोपैथी इलाज कराया, क्रिएटिनिन तेज से जंप किया, हालत खराब हुई और डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ गया और फिर इनकी रेगुलर डायलिसिस होने लगी। वहां पर मुन्नी लाल जी और इनके फैमिली के लोगों को यह आभास होना शुरू हुआ कि यहां पर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। सही उपचार, सही इलाज में पहुंचने के बाद भी वापस गलत उपचार में जाकर और डायलिसिस के चक्कर में पड़ गए। डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए भी बोलना शुरू कर चुका था। लिहाजा इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये वापस चल के हमारे पास बीके आरोग्य में आए। दोस्तों, 8 या 10 क्रिएटिनिन तक हम बिना डायलिसिस के कोशिश करते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ना रोक दें और बैक कर दें ताकि हम पेशेंट को डायलिसिस से बचा पाए। लेकिन जब पेशेंट डायलिसिस करवा कर आता है या कुछ डायलिसिस करवा चुका होता है तो तुरंत डायलिसिस रुकना मुश्किल होता है, उसमें एक समय लग सकता है। किसी किसी की डायलिसिस 15 दिन में रुकती है, किसी की 1-2 महीने और किसी का 4-6 महीना भी लग सकता है। लिहाजा हमने, हमारे पेशेंट थे, हमने दोबारा से इनका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर तैयार किया। दोबारा से इनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बाद हमने इनको एडमिट प्रोसीजर में लिया और डायलिसिस रोकने की प्रक्रिया स्टार्ट की। एडमिट के दौरान शुरुआत के 10 दिनों में जब हमने इनको भर्ती किया तो ऐसा बहुत कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं मिला। हालांकि क्रिएटिनिन बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीमी हुई और हफ्ते में 2 डायलिसिस से हफ्ते में 1 डायलिसिस की स्पीड होने लगी। 10 दिनों के बाद जब हमारे यहां से ये डिस्चार्ज हुए तो भी इनकी डायलिसिस की स्पीड कम थी लेकिन चल रही थी। लेकिन इस बार इन्होंने कोई चूक या गलती नहीं की, डाइट फॉलो करते रहे, लाइफस्टाइल और प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे और सारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहे और आखिरकार अगले 15 दिन से 1 महीने में इनको प्रॉपर इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में जब इन्होंने इलाज शुरू किया तो उनका क्रिएटिनिन 5 था जो बढ़ते बढ़ते 8 पहुंच चुका था। लेकिन कुछ दिनों के प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ये 8 से रुककर बैक होना शुरू हुआ। पहले 6 पर आया और अभी 5.2 के आसपास में आ चुका है और लगातार बैक हो रहा है। इन शॉर्ट, एक गलती की वजह से डायलिसिस की चपेट में आए
और फिर वापस आरोग्य में आके डायलिसिस से दोबारा मुक्त हुए। क्रिएटिनिन बढ़ना रुक चुका है और घटना शुरू हो चुका है। फिजिकल सिम्टम्स में सारा रिलीफ है, बीपी और बाकी प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो चुकी हैं, स्वस्थ और नॉर्मल महसूस कर रहे हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तैयार है। मुन्नीलाल जी उन हजारों पेशेंट में से एक और नाम है जो जानते तो हैं बीपी आरोग्य के बारे में मगर उन्हें भरोसा नहीं होता। कई बार वो हमारे पास तक आ जाते हैं और कंफ्यूज होकर फिर गलत इलाज के चक्कर में अपनी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोबारा वापस आरोग्य में आके दोबारा से रिलीफ पाते हैं। ये ऐसे बहुत से लोगों के लिए एक आशा की नई किरण है जो हार मान चुके हैं, जिनको लग चुका है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए मुन्नीलाल जी एक आशा की किरण है जिन्होंने किडनी फेलियर से लड़ाई की, दोबारा लड़ाई की और जीत हासिल की और आज सामान्य स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आप या आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी डिजीज से पीड़ित है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर किसी व्यक्ति की लाइफ बचा सकता है, जिंदगी बचा सकता है। कोई भी तरह की जानकारी या इंफॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको निःशुल्क सलाह या परामर्श देंगे, आप उसका लाभ उठाएं। नमस्कार।